हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर के वांकल टावर के रूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दो फायर ब्रिगेड ने संयम रहते बुझाई आग, रूम का सामान जला, बड़ा हादसा टला। बाड़मेर शहर के रॉय कॉलोनी रोड पर वांकल टावर की तीसरी मंजिल के कमरों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कमरे से धुआं निकलते ही लाइट को बंद कर दिया गया। आग की सूचना मिलते ही नगर परिषद व नागरिक सुरक्षा की फायर ब्रिगेड पहुंच गई। करीब 20-30 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। इससे बड़ा हादसा टल गया। शहर के रॉयल कॉलोनी रोड पर 3 मंजिला वांकल टावर के तीसरी मंजिल के एक कमरे में एसी चालू था और शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कमरे में उस समय कोई नहीं था। धुआं रोड की तरफ आने से एक बारगी अफरा तफरी मच गई। आपस के लोग एकत्रित हो गए। धुआं देखकर टावर की लाइट बंद कर दी गई। सूचना पर नगर परिषद व नागरिक सुरक्षा की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में कमरे का फर्नीचर, सोफा व बिस्तर जल गया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के 15 से 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। जब तक आग पर काबू पाते तब तक कमरे में रखा सारा सामान जल गया। आग की सूचना मिलने पर SDM रोहित कुमार, नगर परिषद सभापति दीपक माली, पार्षद प्रतिनिधि VP सिंह आगौर, कल्याण सिंह कपूरडी, धर्माराम माली, अजय पाल सिंह मौके पर पहुंचे थे। सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष का कहना है कि वांकल टावर के तीसरी मंजिल के 2-3 रूम में आग लग गई थी। समय रहते लाइट को बंद करवा दिया गया। फायर ब्रिगेड समय पर पहुंचने पर आग पर काबू पा लिया गया। SDM रोहित कुमार व जनप्रतिनिधि मौके पहुंचे। राय कॉलोनी रोड पर 3 मंजिला बिल्डिंग वांकल टावर के ग्राउंड फ्लोर पर प्राइवेट बैंक में भी लोग व कर्मचारी थे। ATM भी लगा हुआ था। दूसरी व तीसरी मंजिल में प्राइवेट कंपनी के अधिकारी रहते हैं। शाम के समय रूम में कोई नहीं था। आग ने विकराल रूप नहीं लिया। इससे बड़ा हादसा टल गया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए रोहित कुमार, SDM बाड़मेर, इन्होंने ये कहा। आप देख रहे हैं टावर के अंदर परंतु समय पर जो है ये और बाकी सभी लोग अंदर से बाहर बाहर निकाल दे सकते हैं। हमें कोई नहीं इसमें बड़ी बड़ी दवा बनी है, चालू नहीं है, उसके लिए क्या आगे और जो है तो उनका सिस्टम कहीं पर भी काम नहीं कर रहा है। नगर परिषद से बात करते हैं, एक बार आज लाए हम यहाँ पर अभी और तो सर्वे करवा लेते हैं। यदि ऐसा कोई फायर सिस्टम उन्होंने नहीं लगवाया है या इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं हुई तो उसके बारे में चर्चा करके और देखकर कार्रवाई करें। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।